से एक बड़ा रेल हादसा, 13 डिब्बे पटरी से उतरे, 3 डिब्बों में लगी आग। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ा रेल हादसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार यात्री से भरी ट्रेन और मालगाड़ी की हुई टक्कर। टकराव इतना जोरदार था, 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, 3 डिब्बों में आग भी लग गई है। अभी तक ये साफ नहीं किया गया है इस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों की जाने गई हैं। अभी तक इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा कवरायपट्टी स्टेशन चेन्नई डिवीजन के करीब हुआ है। जो जानकारी अभी तक इस हादसे में निकल के बाहर आई है, उसके मुताबिक जब यह हादसा हुआ तब ट्रेन की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। सिग्नल में फेलियर की वजह से ये दुर्घटना घटी है। सिग्नल मेन लाइन का दिया गया था, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में जा पहुंची, जिसके कारण मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। टकराव के बाद 3 डिब्बों में आग भी लग गई है। बड़ी खबर तमिलनाडु से, भीषण ट्रेन दुर्घटना, हादसा सिग्नल के फेलियर की वजह से हुआ है, ऐसी जानकारी अब तक साझा की गई है। हादसा आज रात लगभग 8:30 बजे का बताया जा रहा है। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू के काम को शुरू कर दिया गया है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।